नमस्ते आय जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम सात चक्र सेवन चक्रा को समझेंगे। सेवन चक्रा, ये वीडियो बेसिकली हीलर्स के लिए, जो हीलिंग सीखना चाहते हैं या जो हीलर्स बनना चाहते हैं। लेकिन आम जनता, आप भी इसे जान लीजिए, क्योंकि सात चक्रा के क्या क्या काम होते हैं, सात चक्रा हमारे कौन कौन से ग्रंथियों से रिलेट करते हैं, ये सात चक्र हमारे भौतिक शरीर यानी कि बायोलॉजी और आध्यात्मिक शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी दोनों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो अगर इन चीज़ों को समझ लें तो खुद को हील करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन से चक्र को कब हील करें कि हमारी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। इस चीज़ को इस वीडियो में आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र, क्योंकि नीचे से ही हम ऊर्जा को उठाते हुए ऊपर लेके आते हैं, तो नीचे के चक्र को सबसे पहले समझिए। सबसे पहले है मूलाधार चक्र। इसे किन किन नामों से जानते हैं? मूलाधार चक्र, रूट चक्र, बेस चक्र, आधार चक्र और लाल चक्र, इन इन नामों से पुकारा जाता है। और भी नाम हो सकते हैं जिनकी जानकारी शायद मुझे भी नहीं है, तो आप समझ लें। मूलाधार चक्र, जैसा कि आप समझ रहे हैं, लाल रंग की फ्रीक्वेंसी निकलती है, लाल रंग से इसे माना जाता है, समझा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रिलियाना फोटोग्राफी से भी ये चीज़ पता चली है कि इस जगह से वो फ्रीक्वेंसी निकलती है जो लाल रंग से निकलती है, तो लाल रंग की ऊर्जा इसे माना जाता है, कहा जाता है। प्राचीन गुरुओं ने इसे लाल रंग से ही संबोधित किया है। तो ये है मूलाधार चक्र, जो जुड़ा हुआ है एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, इसलिए हमारी शक्ति के लिए, हमारे सामर्थ्य के लिए, हमारी स्थिरता के लिए, मांसपेशियों की शक्ति के लिए एड्रेनल ग्लैंड यानी कि मूलाधार चक्र को हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अब समझना, ये आध्यात्मिक रूप से आपको स्थिरता प्रदान करता है, शारीरिक रूप से भी आपको स्थिरता प्रदान करता है। मूलाधार चक्र को अगर मजबूत किया जाए तो मांसपेशी और हड्डियों से जुड़े, हालांकि हड्डी का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मांसपेशियों मतलब कि स्थिरता, भौतिक स्थिरता के लिए ये ज़रूरी है। हड्डी के लिए दूसरा चक्र है जो आगे जाके बताऊँगा। तो जब हड्डियों को हील करना होता है तो इससे और मूलाधार चक्र दोनों को हील किया जाता है, तो वो मैं समझाऊँगा आगे चल के, ठीक है। अब समझना, मूलाधार चक्र जो है आपकी आध्यात्मिक स्थिरता, आपकी भौतिक स्थिरता, आपकी मांसपेशियों की क्षमता, मतलब कि अगर आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सशक्त बनना चाहते हैं तो मूलाधार चक्र को हील कीजिए। अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपनी वीर की रक्षा करना चाहते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो मूलाधार चक्र को हील करना होता है। इसके साथ एक और चक्र को हील करना होता है जो कि ठीक इसके बाद है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक इसके ऊपर अगला है स्वादिष्ठान चक्र, इसे सैक्रल चक्र इंग्लिश में कहा जाता है, लिंगाधार चक्र भी कहा जाता है, नारंगी चक्र भी कहा जाता है, और इसे कभी कभी किसी किसी जगह पे स्त्री पुरुष चक्र ऐसा कुछ कुछ कह देते हैं, लेकिन नहीं, स्वादिष्ठान चक्र सबसे कॉमन नेम है। ऑरेंज कलर की ऊर्जा निकलती है इसमें से, नारंगी रंग की ऊर्जा निकलती है, सेक्स हॉर्मोन्स को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके साथ दो ग्रंथियां जुड़ी हुई है, पुरुषों के लिए प्रोस्टेट और स्त्रियों के लिए ओवरीज, दो ग्रंथियों से दो अलग हॉर्मोन्स निकलते हैं, स्त्रियों के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन, ये हॉर्मोन्स हैं जो कि अलग अलग होते हैं दोनों ही शरीर के लिए। अब समझना, सेक्स हार्मोन की सबसे शक्तिशाली हार्मोन्स होते हैं, अगर इससे ऊपर उठा लें तो यह सीधा हृदय चक्र से ऊपर ऊपर तक जाता है, जो कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। तो मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों में हाथों को रख करके इन दोनों की ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ऊपर लेके जाया जाता है। ये आपके किसी को जननांगों से जुड़ी समस्या है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, तो उस समय ऐसे लोगों को इस चक्र को हील करते हैं। अगला चक्र है सोलर प्लेक्सस, सूर्य चक्र, मणिपुर चक्र, सूर्यमुखी चक्र, इन इन नामों से जाना जाता है। मणिपुर चक्र और सोलर प्लेक्सस सबसे ज़्यादा कॉमन है।
सूर्य की ऊर्जा से निहित है यह चक्र। निचले चक्रों में सबसे ऊपर का चक्र है, मतलब कि हृदय चक्र के नीचे तीन चक्र होते हैं, हृदय चक्र के ऊपर तीन चक्र होते हैं, तो निचले चक्रों में सबसे ऊपर सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र। पैनक्रियाज ग्लैंड से ये जुड़ा हुआ है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है जो कि खाना को पचाने के लिए पाचन क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारी क्रियाएं और भी होती है पैनक्रियाज की वजह से, तो पैनक्रियाज बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर में। तो पैनक्रियाज से जुड़ी समस्याएं जो होती है उसको हील करने के लिए हम सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करते हैं। जीवन में मान सम्मान सुख समृद्धि के लिए भी सोलर प्लेक्सस जिम्मेदार होता है। अगर किसी को जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं तो सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करने से उनकी हीलिंग होती है, उनके जीवन में ये सारी समस्याएं ठीक होती है। इसके ऊपर आते हैं हृदय चक्र, इंग्लिश में हार्ट चक्र, बस प्रेम चक्र, हरा चक्र भी कह देते हैं, लेकिन हृदय चक्र हार्ट चक्र है सबसे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट अनाहत चक्र, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट, संस्कृत में यही नाम से जाना जाता है अनाहत चक्र। हरे रंग की ऊर्जा निकलती है, जीवन में प्रेम, अपनापन, करुणा, दया, ये सारी चीज़ों से ये जुड़ा होता है। परमात्मा से जुड़ा हो प्रेम, धरती से जुड़ा हो, आकाश से जुड़ा हो, कहीं से भी जुड़ा हो, अगर प्रेम की बात हो रही है तो हृदय चक्र से होगा। जीवन में अशांति है, शांति चाहते हैं, किसी के जीवन में शांति है, शांति चाहते हैं, तो उसके हृदय चक्र को हील करेंगे तो उनको शांति मिलती है, प्रेम मिलता है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है ये चक्र और इम्यून सिस्टम के लिए ज़िम्मेदार है। हमारा इम्यून, चाहे वह मानसिक हो चाहे वह शारीरिक हो, हमारे इम्यून सिस्टम से ये जुड़ा हुआ है, हमारे से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे स्केलेटन सिस्टम को, हड्डियों से। मैंने बताया था मूलाधार चक्र के साथ एक चक्र को हील करते हैं, तो हृदय चक्र को मूलाधार चक्र के साथ मिला के जब हील करते हैं तो हड्डी और मांसपेशियां दोनों हील होती है, और तो हमारी स्थिरता के लिए, हमारी शक्ति के लिए, हमारे बल के लिए ये चक्र काम आता है। स्केलेटन सिस्टम के अंदर ही WBC प्लेटलेट्स होते हैं, तो इन्हें भी हील करने के लिए हृदय चक्र को हील किया जाता है, तभी तो इम्यून पावर अच्छा होगा, तभी तो इम्यून पावर ठीक होगी ना। तो जब कोरोना काल चल रहा था तो सबसे ज़्यादा हृदय चक्र को और मूलाधार चक्र को ही हील किया जाता था, जिससे बहुत लोगों को, सारे लोगों को हीलिंग मिली है और वो ठीक हुए हैं। अब आता है विशुद्धा चक्र, थ्रॉट चक्र के नाम से इसे जानते हैं, और इसका रंग है नीला रंग, आकाशी नीला रंग, और ये जुड़ा है थायराइड ग्लैंड से। बहुत सुना सुनाया नाम है थायराइड, जिसको नहीं उसका प्रॉब्लम है, थायरोक्सिन हार्मोन इससे रिलीज होता है, T3 T4 सुना होगा। तकरीबन आज के समय में सारी फीमेल्स में, मतलब महिलाओं में जो कि मध्यम वर्गीय से ऊपर हैं, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको लगता है कि हर तीन में से एक या दो फीमेल को थायराइड होता है। थायराइड को एकदम कॉमन समस्या मान लिया गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ थायराइड ग्लैंड विशुद्धा चक्र को, थ्रॉट चक्र को हील करने से, थायराइड ग्लैंड में ऊर्जा आने से थायरोक्सिन कंट्रोल होता है और थायराइड कंट्रोल होता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तभी तो थायराइड ग्लैंड के बिगड़ जाने से या तो दुबलापा या मोटापा आ जाता है। तो जब भी आपको लगे, जब भी किसी भी पेशेंट के लिए लगे कि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, मोटापा आ रहा है, ओबेसिटी, दुबलापा आ रहा है, तो थायराइड को, थ्रोट चक्र को हील करें, जिससे सब अच्छा होगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से स्किन ग्लो करती है, हेयर्स अच्छे होते हैं, पर्सनालिटी अच्छी होती है, लुक्स अच्छे होते हैं, खूबसूरती आती है, सब कुछ अच्छा होता है अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाए तो। तो आप थ्रोट चक्र के साथ आज्ञा चक्र को हील करेंगे तो स्किन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। अब आते हैं आज्ञा चक्र, सबसे प्रमुख चक्र, सबसे ऊपर का नहीं लेकिन सबसे प्रमुख चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, अंजना चक्र, आज्ञा चक्र, तीसरी नेत्र, ज्ञान चक्षु, कई नामों से जाना जाता है। इसका कलर होता है बैगनी कलर, बैगनी कलर की ऊर्जा निकलती है यहाँ से। थर्ड आई आपको आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊपर लेकर के जाता है। मैंने विशुद्धा चक्र के लिए ये बताना भूल गया, जिनका विशुद्धा चक्र आध्यात्मिक विकास होता है, इस ऊर्जा से आपकी आवाज़ में दिव्यता आती है, आपके बोलने के तरीके में दिव्यता आती है। आप जब बोलते हैं तो लोगों को आराम मिलता है, आपकी आवाज़ से लोगों को हीलिंग मिलती है,
आप जब भी बोलते हैं लोग आपको सुनते हैं, आप सैकड़ों के भीड़ में, हज़ारों के भीड़ में बोलेंगे तो लोगों को आराम मिलता है, लोगों को सुनने का मन करता है। तो ये भी एक क्षमता है विशुद्ध चक्र की। तो आज्ञा चक्र में आते हैं, जब आपकी आज्ञा चक्र में शक्ति आती है तो आपकी आँखें दिव्य होती है, आपका आध्यात्मिक विकास होता है, आप चीज़ों को देख पाते हो, भूत भविष्य वर्तमान को फील कर पाते हो, देख पाते हो, सीधे देख पाते हो, समझ पाते हो। तो ये है आज्ञा चक्र का शक्ति। पैनियल ग्लैंड, बहुत नाम सुना है, पैनियल ग्लैंड से रिलेटेड होता है आज्ञा चक्र, और मेलाटोनिन हार्मोन से रिलीज़ होती है। सर्कैडियन सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी के सर्कैडियन सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, ब्लड से लेके हड्डियों से लेकर के विचारों से लेकर के खाने से लेकर के हर चीज़ को ये कंट्रोल करता है आपकी आज्ञा चक्र में आपके कंट्रोल होने से। इसलिए मैंने कहा ना, चक्र के अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो दोनों को पकड़ के हील करेंगे तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सर्कैडियन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये है आज्ञा चक्र की क्षमता। जब भी आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएंगे शक्ति से भर जाएंगे। हर योगी आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाता है, सातों चक्रों में सबसे प्रमुख चक्र इसे ही कहते हैं। मानवीय शरीर के स्तर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र कहते हैं इसे, कमल चक्र कहते हैं, महाचक्र कहते हैं, परमानंद चक्र कहते हैं, बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। तो क्राउन चक्र सबसे कॉमन है, हिंदी में सहस्त्रार चक्र के नाम से ये कॉमन है। इस चक्र में है परमात्मा का वास, यहाँ परमात्मा विराजते हैं। ज़्यादातर समय किसी भी कारण से इसकी हीलिंग नहीं की जाती है, हमेशा ये आपके छः चक्रों को बैलेंस करने से ये काफ़ी है। छः चक्रों को बैलेंस करके इसे शक्ति से भरा जा सकता है, इसे शक्ति से भरकर छः चक्रों को बैलेंस किया जा सकता है, ये इतना शक्तिशाली है। प्यूटेटरी ग्लैंड से ये रिलेटेड है, प्यूटेटरी ग्लैंड को आप, प्यूटेटरी ग्लैंड की वजह से ही आपके सोचने विचारने, आपको अंदर तक दिव्य यात्रा के लिए, अपने बाह्य यात्रा के लिए, अपने विचारों की जो शक्ति को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड की आवश्यकता होती है। तो ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब कि आपके शरीर के हर एक ग्लैंड के हॉर्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड अकेले कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, बशर्ते आपके सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा होनी चाहिए। तो ध्यान के माध्यम से सारी ऊर्जा को जब हम ऊपर उठा के सहस्त्रारा में लेकर आते हैं तो वहाँ से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए जब रीकी हीलिंग के समय शरीर के किसी पर्टिकुलर जगह पे हम हाथ लेके नहीं जा सकते, प्रैक्टिसिंग में हम पेशेंट को लिटा करके, मैंने अपने प्रैक्टिकल वीडियो में बताया कि सिर्फ सहस्त्रार चक्र के पास हाथ रख करके, सहस्त्रार चक्र को ऊर्जा दे करके कहीं शरीर के किसी भी दिशा में किसी भी जगह तक ऊर्जा को पहुँचा सकते हैं, पहुँचाते हैं। तो मेरी प्रैक्टिकल वीडियो में मैंने क्लियर बताया हुआ। अब सहस्त्रार चक्र का भी काम हो गया, सहस्त्रार चक्र आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आप सातों चक्रों को समझ गए। अब इतने छोटे से वीडियो में इतना ही समझाया जा सकता है, तो ये मोटा हिसाब आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी भी तरह की हीलिंग साइंस को सीखते हैं, रिकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग या लामा फेरा, तो उस समय आपको सातों चक्रों का और डिटेल में समझाया जाता है कि एक एक चक्र का और डिटेल कहाँ कहाँ काम होता है, कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन से काम होते हैं। तो ये घंटों का, कई घंटों का, मतलब ढाई तीन घंटे का ये वीडियो है, जो आप जब कभी हीलिंग साइंस को सीखेंगे, अपने जीवन में सीखेंगे, समझेंगे, तो आपके गुरु आपको सिखाए, तो गुरु आपको सिखाते हैं। जब भी आप हीलिंग साइंस सीखते हैं तो आपके गुरु आपको सिखाते हैं, जिससे कि आप अपनी हीलिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ सातों चक्रों के इस काम को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो एक दो बार और देखिएगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।